हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 62 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 6 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा पाठ हम पढ़ रहे थे ऊंचाई एवं दूरी, उसी के अंदर पिछली वर्कशीट में हमने उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जाना था क्या होते हैं, आज उस पर बेस्ड कुछ प्रश्न उत्तर हम करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। देखो, उन्नयन कोण क्या है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखने पर जमीन से बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। मान लीजिए आप कोई जमीन पे खड़े हो और ऊपर बिल्डिंग में आप छत देख रहे हो, ठीक है, ऊपर छत पे देख रहे हो, तो नीचे से जब आप ऊपर देखते हो ना, ग्राउंड से ऊपर आप देखते हो, तो जो ये कोण बनता है ये होता है उन्नयन कोण, ठीक है। और अवनमन कोण क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जब किसी वस्तु का प्रारंभिक कोण नीचे की ओर बनता है तो उसे अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, आप मान लो आप छत पे खड़े हो, छत से आप नीचे देख रहे हो ना, तो ये कैसा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया, नीचे से ऊपर देख रहे हो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देख रहे हो अवनमन कोण, ठीक है। अब चलो इस पर आधारित प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, ठीक है, तो जो कसकर फैली हुई है और एक ऊर्ध्वाधर पोल के शीर्ष से ज़मीन पर बंधी हुई है। मतलब क्या है, यहाँ पे एक पोल है, इस पोल का जो शीर्ष है, जो इसकी यहाँ पे ऊंचाई से नीचे तक इस ये रस्सी है, ये रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक पोल है और यहाँ से एक रस्सी बांधी हुई है, जिस पे इस रस्सी पे से जो सर्कस में है, इसमें जो कलाकार है 20 मीटर की रस्सी है, इस पे चढ़ता है, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई, इस खंभे की ज्ञात आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर रस्सी द्वारा बनाया गया कोण आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो नीचे से ऊपर ये कोण दिया हुआ है, तो ये क्या है, कैसा कोण है, अवनमन या उन्नयन कोण ये आपका, ठीक है। तो मान लो जो खंभे की ऊंचाई है उसको मैंने एक्स मान लिया और ये आपको दे रखी है रस्सी की ऊंचाई 20 मीटर। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको दो चीज़ें लेनी होती है, एक वो जो आपको निकालनी है एक्स, और एक वो जो आपको दे रखी है, जैसे ये 20 हो गया, ठीक है। तो एक्स क्या है, देखो एक्स है परपेंडिकुलर, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, और उसके नीचे हर हर बोले, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो, ये क्या है, साइन की वैल्यू है, ठीक है, और ये क्या है, कोस की वैल्यू है, ये क्या है, टेंजेंट की वैल्यू है। पी क्या है, लंब, एच क्या है, कर्ण, बी क्या है, आधार। तो पी और एच से क्या बनता है, साइन बनता है, तो हमें क्या लेना है, साइन की वैल्यू लेनी है, साइन थीटा, थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो साइन 30 लेंगे किसके बराबर, क्या होता है, पी और एच, लंब बटे में, सो लंब बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, कर्ण, ठीक है। तो मतलब x बटे में 20 किसके बराबर है, 1/2, ये क्या है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x का मान आ गया 10 मीटर, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, बिल्कुल सेम इसी जैसा है, ठीक है। ये जो आपको क्वेश्चन 3 है ना, ये आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क, ठीक है, ये आपका होमवर्क। एक और क्वेश्चन समझा देती हूँ, सेकेंड वाला, तीनों क्वेश्चन असल में सेम है, इसीलिए मैं आपको वो कर रही हूँ, मतलब एक होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। वैसा ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन नीचे भी है। एक बार दूसरा क्वेश्चन और देख लो, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा, बस वैल्यू अलग है, आप 30 की बजाय 60 है, 30 डिग्री की बजाय 60 डिग्री है, ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम है थर्ड क्वेश्चन, इसीलिए आपको दिया है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, जमीन पर एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, जो मीनार के पैर से 30 मीटर दूर है, 30 डिग्री है, ठीक है। ये आपका मीनार है, मीनार का पैर है उससे 30 मीटर दूर है, ठीक है, इस बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो यही 30 मीटर दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है, तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो क्या ज्ञात करना है, ये क्या है, पी, लंब है, परपेंडिकुलर है ना, ये क्या है, आधार, ठीक है, ये है आधार, तो लंब और आधार किस में है, टेंजेंट में है ना, लंब बटे में आधार होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट कितना है, 30 डिग्री, टेंजेंट 30 क्या लूँगी, लंब बटे में आधार, लंब क्या करना है, निकालना है, एक्स मान लिया, आधार कितना है 30, तो और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स का मान निकाला, क्या आया, 10√3, ये क्या है, मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हमारे प्रश्न उत्तर पे जो आज हमें गिवन है। तो पहला प्रश्न है आपका, तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला प्रश्न है आपका, एक ठेकेदार पार्क में बच्चे के खेलने के लिए 2 स्लाइड लगाने की योजना बना रही है, ठीक है ना, जो झूला होता है ना, ये जो ये वाला ऐसे ऊपर से फिसल के आता है, ये वाला 2 स्लाइड बनाने के लिए वो कर रहे हैं बात। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ना, उनके लिए जो स्लाइड है वो क्या कह रहे हैं, उसकी जो हाइट है ना, ऊंचाई, उसको 1.5 मीटर ही रखेंगे सिर्फ,
ठीक है, और उन्नीन कोण 30 डिग्री रखेंगे, और जो उससे बड़े हैं उनके लिए जो ढलान है वो कितने होगी, उनकी ऊंचाई 30 मीटर रखेंगे और जो ये कोण है वो 60 डिग्री रखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, इस प्रत्येक स्थिति में स्लाइड की लंबाई क्या होनी चाहिए ये हमें बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन पहला प्रश्न है क्या दिया हुआ है, ये दो आपने हमने डायग्राम बना लिए, चित्र बना लिए। पहला छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए ऊंचाई 1.5 मीटर रखी गई है और कोण 30 डिग्री रखा गया है। तो इसमें ए बी सी के अंदर निकालना क्या है हमें, जो ये है ना स्लाइड इसकी लंबाई निकालनी है। तो इसकी लंबाई निकालनी है क्या है, कर्ण है, दिया क्या हुआ प्रपेंडिकुलर दिया, अभी अभी किया था प्रपेंडिकुलर और कर्ण कैसे निकालते हैं, प्रपेंडिकुलर और कर्ण किस में होते हैं, लिखो पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी और एच किस में है, इसमें है, ये क्या होता है साइन होता है। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू लिखेंगे हम, साइन जो 30 है वो किसके बराबर है, लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है हमारे पास 1.5 मीटर है, कर्ण हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो यहाँ से एक ए सी निकाल लेंगे, ए सी क्या होगा 3 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से अब जो 5 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनके लिए ये 3 मीटर था, ठीक है, और उन्नयन कोण 60 डिग्री था। तो इसमें अब क्या करेंगे, वही लंब बटे में कर्ण क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 3 है और ये हमारे पास हमें निकालना है, साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, ये 3 है, पी आर हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी आर क्या होगा 6√3, नीचे रूट 3 है, नीचे हर में रूट नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे इसको, इसका प्रमेयकरण करेंगे, तो √3 से ऊपर गुना और विभाजित कर दिया, नीचे क्या आ गया √3 × √3 हो गया, 3 से 6 कट गया, 2√3 हमारा आंसर आया। ठीक है, तो दोनों जो स्लाइड है उनकी जो लंबाई है वो इतनी है। ठीक है, इसके पीछे मीटर भी आपको लगाना है, यहाँ पे मैंने लगाया नहीं, मीटर आपको लगाना है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, पतंग से जुड़ी रस्सी अस्थायी रूप से जमीन पर एक बिंदु से बंधी होती है, जमीन के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई स्लेक नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पतंग उड़ रहा है, मान लीजिए यहाँ आपका पतंग उड़ रहा है, तो जमीन से ये क्या हो गया, लंब बन रहा है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, इसकी लंबाई यहाँ से उड़ा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन 2 क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है इसकी जो वो होता है ना पतंग का जो धागा होता है उसकी लंबाई कितना बड़ा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऊंचाई है जो ज़मीन से दी हुई है 60 मीटर, ठीक है, कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हमें ये निकालना है इसी। तो ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है, लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है, साइन 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो साइन से 60 डिग्री क्या होगा, लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है 60 दिया हुआ है, रख दो, ए सी हमें निकालना है, कर्ण साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 120/√3। ठीक है, सो √3 ऊपर और नीचे गुना करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 3, ठीक है, 3 से 120 कट गया, 40√3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इतनी क्या है लंबाई है उस स्ट्रिंग की, तार की। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है आखिरी क्वेश्चन, प्रश्न नंबर तीन क्या है कि जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो टावर के पैर से 45 मीटर दूर है 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो क्या कह रहा है, ये टावर की ऊंचाई निकालिए, मान लीजिए आपका एक टावर है ए बी, ये ना आप जहाँ पे खड़े हो उससे 45 मीटर की दूरी है बीच में, ठीक है, आधार दिया हुआ है आपको और 30 डिग्री का कोण बनाता है ये, तो देखो आपको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है टावर की, ये क्या है लंब है, दिया क्या हुआ है आधार हुआ है, तो पी अपॉन बी किस में होता है, लंब बटे में आधार क्या होता है, टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट हमने रख दिया वैल्यू, जो हमारे पास लंब है वो हमें निकालना है, आधार हमारे पास 45 डिग्री है, कोण टेंजेंट 30 क्या होता है 1/√3, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो ए बी का मान आएगा 45/√3, नीचे हर में √3 नहीं होना चाहिए, तो इससे इसका प्रमेयकरण करेंगे, ऊपर और नीचे √3 से गुना विभाजित करेंगे, तो 3 × 3 √3 और √3 3 होता है, 3 से 45 कट गया, 15√3 मीटर आपका मान आया है, किसका, जो टावर है उसकी लंबाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। तो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है, कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।